हे गाइस, वेलकम टू फ्लाई हाई एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 2.3। अभी तक हमने 2.1 और 2.2 कवर कर ली है। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन एंड चेक योर रिजल्ट। 2.3 में बोला गया है कि आपको कुछ इक्वेशंस दी गई हैं, उसको आपको सॉल्व करना है, देन आपके रिजल्ट को चेक करना है। अभी तक हमने 2.1 में सिर्फ इक्वेशन सॉल्व की थी, चेक नहीं की थी, लेकिन 2.3 में आपको इक्वेशन सॉल्व भी करनी है और चेक भी करनी है। फर्स्ट क्वेश्चन इज 3x इक्वल्स टू 2x प्लस 18। वेरिएबल को एक साइड रहने देते हैं एंड डिजिट्स को एक साइड। सो 3x, ये प्लस का 2x इधर आके माइनस का 2x हो जाएगा, इक्वल्स टू 18। 3 में से 2 जाएंगे तो x बचेंगे, x इक्वल्स टू 18। तो हमारी जो x की वैल्यू आ गई वो आ गई 18। नाउ अब हम चेक कर लेते हैं। हमारी इक्वेशन थी 3x इक्वल्स टू 2x प्लस 18। अब हम x की जगह पे 18 पुट करते हैं, क्योंकि हमारा x क्या आया था 18। सो 3 इंटू 18, हेयर 2 इंटू 18 प्लस 18। 18 3 होता है 54, देन 18 2 36, 36 प्लस 18 इक्वल्स टू 54। सो LHS जो है वो हमारा RHS के इक्वल आ गया, हेंस इट इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड इज 5t माइनस 3 इक्वल्स टू 3t माइनस 5। सो यहां पे भी हमें सेम चीज करनी है, t को एक साइड रख देते हैं और डिजिट्स को एक साइड। सो 5t प्लस 3t लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो माइनस 3t हो जाएगा, देन माइनस 5 माइनस 3 उधर जाके प्लस 3 में कन्वर्ट हो जाएगा, देन 5 में से 3 जाएंगे तो 2t बचेंगे, माइनस 5 प्लस 3 माइनस 2, देन t की वैल्यू निकाल लेंगे, t इक्वल्स टू माइनस 2 अपॉन 2, 2 वन जा 2, तो जो t की वैल्यू होगी वो आ जाएगी माइनस 1। अब हम चेक कर लेते हैं। हमारी इक्वेशन थी 5t माइनस 3 इक्वल्स टू 3t माइनस 5, देन 5 हमारा t आया माइनस 1, देन माइनस 3, 3 t की वैल्यू थी माइनस 1 माइनस 5, 5 इंटू 1 इक्वल्स टू माइनस 5, 5 वन जा 5 माइनस 3, 3 वन जा 3 माइनस 5। सो हेयर माइनस 5 माइनस 3 इक्वल्स टू माइनस 8 एंड माइनस 3 माइनस 5 इक्वल्स टू माइनस 8। सो LHS इक्वल्स टू RHS, हेंस इट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, 5x प्लस 9 इक्वल्स टू 5 प्लस 3x। सो 5x प्लस का 3x लेफ्ट हैंड साइड में आके माइनस का 3x हो जाएगा, देन 5 प्लस का 9 राइट हैंड साइड में जाके माइनस 9 हो जाएगा। 5x में से 3x जाएंगे तो 2x बचेंगे, प्लस 5 में से माइनस 9 जाएंगे तो माइनस 4 बचेंगे। माइनस क्यों बचेंगे? क्योंकि बड़ी डिजिट का साइन लिया जाता है और बड़ी डिजिट क्या है? 9। 9 का साइन है माइनस, इसलिए हमारा जो आंसर होगा वो होगा माइनस 4।
देन x निकाल लेंगे, माइनस फोर अपॉन टू, टू वन जो टू, टू टू जो फोर, तो x की वैल्यू जो होगी वो होगी माइनस टू। चेक कर लेते हैं, हमारी इक्वेशन है 5x प्लस 9 इक्वल्स टू 5 प्लस 3x। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, सो 5 इंटू माइनस 2 प्लस 9, 5 प्लस 3 इंटू माइनस 2, 5 टू जो 10 प्लस 9, 5 एंड 3 टू जो 6 माइनस 6, सो माइनस 10 प्लस 9 इक्वल्स टू माइनस 1 एंड 5 प्लस माइनस माइनस 6 माइनस 1, 5 माइनस 6 इक्वल्स टू माइनस 1, LHS इक्वल्स टू RHS, हेंस इट इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 इज 4z प्लस 3 इक्वल्स टू 6 प्लस 2z। z को हम लेफ्ट हैंड साइड में ले आते हैं, 4z प्लस का 2z लेफ्ट हैंड साइड में आके माइनस का 2z हो जाएगा, देन 6 प्लस का 3 राइट हैंड साइड में जाके माइनस 3 हो जाएगा, देन 4z में से 2z जाएंगे तो 2z बचेंगे और 6 में से 3 जाएंगे तो 3 बचेंगे, तो हमारी z की वैल्यू आ जाएगी 3/2। अब हम चेक करते हैं, हमारी इक्वेशन थी 4z प्लस 3 इक्वल्स टू 6 प्लस 2z। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ z, 4 इंटू 3/2 प्लस 3 इक्वल्स टू 6 प्लस 2 इंटू 3/2, सो हियर 2 वन जा 2, 2 टू जा 4, 2 वन जा 2, 2 वन जा 2, 2 इंटू 3 इक्वल्स टू 6 प्लस 3, हियर 6, 1 इंटू 3 इक्वल्स टू 3, सो 6 प्लस 3 इक्वल्स टू 9 एंड 6 प्लस 3 इक्वल्स टू 9, हेंस LHS इक्वल्स टू RHS, हेंस इट इज करेक्ट। नाउ कमिंग बैक टू क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 इज 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 14 माइनस x, सो हियर 2x माइनस x को जब हम लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो प्लस x हो जाएगा, 14 माइनस 1 को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो प्लस 1 हो जाएगा, देन 2x प्लस x इक्वल्स टू 3x एंड 14 प्लस 1 इक्वल्स टू 15, x इक्वल्स टू 15 डिवाइडेड बाय 3, तो x इक्वल्स टू 3 वन जा 3, 3 फाइव जा 15, तो हमारा x जो होगा वो होगा 5। नाउ हम चेक कर लेते हैं, हमारी इक्वेशन थी 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 14 माइनस x, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, 2 इंटू 5 माइनस 1 14 माइनस 5, 2 5 जा 10 माइनस 1, 14 माइनस 5 इक्वल्स टू 9, 10 माइनस 1 इक्वल्स टू 9 इक्वल्स टू 9, हेंस LHS इक्वल्स टू RHS, सो वी कैन से इट इज करेक्ट।
क्वेश्चन नंबर सिक्स, एट एक्स प्लस फोर इक्वल्स टू थ्री एक्स माइनस वन प्लस सेवन। अभी तक के जितनी भी इक्वेशंस थी सब सेम थी, लेकिन यहाँ पे आपको कुछ नया देखने को मिल रहा है, ब्रैकेट। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे ब्रैकेट ही सॉल्व करना है। 8x प्लस 4, 3 का x में इंटू 3x और 3 का 1 में इंटू 3 प्लस 7। 8x प्लस 4, 3x माइनस 3 प्लस 7 क्या हो जाएगा, प्लस 4। 8x प्लस का 3 इधर आके माइनस का 3 हो जाएगा और प्लस का 4 उधर जाके माइनस का 4 हो जाएगा। 8x में से 3x जाएंगे तो 5x बचेंगे और प्लस 4 में से माइनस 4 जाएंगे तो 0 बचेंगे। सो x की वैल्यू होगी 0/5, दैट मीन्स x इक्वल्स टू 0। नाउ चेक, इक्वेशन इज 8x प्लस 4 इक्वल्स टू 3 x माइनस 1 प्लस 7, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x। सो 8 इंटू 0 प्लस 4 3, 0 माइनस 1 प्लस 7, 8 इंटू 0 इक्वल्स टू 0 प्लस 4। थ्री इंटू जीरो इक्वल्स टू जीरो, थ्री इंटू माइनस वन इक्वल्स टू माइनस थ्री प्लस सेवन, जीरो प्लस फोर इक्वल्स टू फोर एंड माइनस थ्री प्लस सेवन इक्वल्स टू फोर, हैंस एलएचएस इक्वल्स टू आरएचएस। सो दिस इक्वेशन इज ऑल्सो करेक्ट। क्वेश्चन नंबर सेवन, क्वेश्चन नंबर सेवन, एक्स इक्वल्स टू 4/5 ब्रैकेट एक्स प्लस 10। नाउ हम यहां पे एक्स अपॉन 1 करके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ले लेते हैं। सो 5 इंटू एक्स इक्वल्स टू 5x और 1 का जब हम इस पूरे में मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आएगा 4x प्लस 10। 5x, 4 इंटू एक्स इक्वल्स टू 4x एंड 4 इंटू 10 इक्वल्स टू 40। देन x को हम लेफ्ट साइड में ले आते हैं, 5x प्लस का 4x माइनस का 4x हो जाएगा इक्वल्स टू 40। 5 माइनस 4 इक्वल्स टू x 40। तो हमारी जो x की वैल्यू आ गई वो आ गई 40। नाउ चेक करते हैं। तो हमारी इक्वेशन थी x इक्वल्स टू 4/5 x प्लस 10। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ x 40, 4/5 40 प्लस 10, 40, 4/5 40 प्लस 10 इक्वल्स टू 50। 5 ones are 5, 5 ones are 5, 0 का 0। सो 40 इक्वल्स टू 4 इंटू 10 इक्वल्स टू 40, एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस।
Hence it is correct. Now coming to next question. Question number 8. 2x by 3 plus 1 equals to 7x by 15 plus 3. नाउ एक्स एक्स की वैल्यू एक साइड कर लेते हैं और डिजिट्स को एक तरफ कर लेते हैं. देन 2x अपॉन 3 प्लस का 7x बाय 15 इधर आके माइनस का 7x बाय 15 हो जाएगा. देन 3 माइनस 1, 3 और 15 का एलसीएम ले लेंगे तो 15 आएगा. 3 के टेबल में 15 5 टाइम्स में आता है. 5 इंटू 2 इक्वल्स टू 10x. 15 के टेबल में 15 1 टाइम्स में आता है. 1 इंटू 7x माइनस 7x इक्वल्स टू 3 माइनस 1 इक्वल्स टू 2. देन 10 में से 7 जाएंगे तो 3x बचेगा अपॉन 15 इक्वल्स टू 2. अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं. 3x इंटू 1 3x हो जाएगा एंड 15 इंटू 2 इक्वल्स टू 30 हो जाएगा. देन x की वैल्यू आ जाएगी 30 डिवाइडेड बाय 3. 3 वन जा 3 तो जो हमारा x होगा वो आ जाएगा 10. नाउ चेक कर लेते हैं. इक्वेशन है हमारी 2x अपॉन 3 प्लस 1 इक्वल्स टू 7x अपॉन 15 प्लस 3. सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x 2 इंटू 10 अपॉन 3 प्लस 1 7 इंटू 10 अपॉन 15 प्लस 3. 2 tens are 20 plus 3 plus 1. 7 tens are 70 upon 15 plus 3. Five threes are 15. 5 ones are 5. 5 fours are 20. अब हम एलसीएम ले लेते हैं. 3 और 1 का एलसीएम आएगा 3. 3 के टेबल में 3 1 टाइम्स में आता है. 1 इंटू 20 इक्वल्स टू 20 और 1 के टेबल में 3 3 टाइम्स में आता है. 3 इंटू 1 इक्वल्स टू 3. हेयर 3 और 1 का एलसीएम 3 आ जाएगा. 3 के टेबल में 3 1 टाइम्स में आता है. 1 इंटू 14 इक्वल्स टू 14. 1 के टेबल में 3 3 टाइम्स में आता है. 3 इंटू 3 इक्वल्स टू 9. सो 20 प्लस 3 इक्वल्स टू 23 अपॉन 3 और 14 प्लस 9 इक्वल्स टू 23 अपॉन 3. सो LHS इक्वल्स टू RHS. Hence it is correct. Question number 9. 2y plus 5 by 3 equals to 26 by 3 minus y. तो हम y को एक लेफ्ट हैंड साइड ले आते हैं और डिजिट्स को राइट हैंड साइड. 2y माइनस का y इधर आके प्लस का y हो जाएगा और 26 अपॉन 3 प्लस का 5 बाय 3 उधर जाके माइनस का 5 बाय 3 हो जाएगा. देन 2y प्लस y इक्वल्स टू 3y. एलसीएम ले लेंगे हम तो 3 आएगा.
देन यहाँ 26 माइनस 5 3y, 26 में से 5 जाएंगे तो 21/3, देन 3 1 3, 3 7 21, सो 3y = 7 एंड y = 7/3. तो हमारी जो y की वैल्यू होगी वो होगी 7/3. नाउ चेक कर लेते हैं. हमारी इक्वेशन थी 2y + 5/3 = 26/3 - y. पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, 2 × 7/3 + 5/3 = 26/3 - 7/3. Now 2 7s are 14, so 14/3 + 5/3 = 26/3 - 7/3. Now taking LCM, 3 14 + 5 3 26 - 7, 14 + 5 = 19. By 3 and 26 - 7 = 19/3. So LHS equals to RHS. Hence it is correct. Now coming to last question. 10th question is 3m = 5m - 8/5. हम 5m को लेफ्ट हैंड साइड पे ले आएंगे. 3m - 5m = -8/5. 3m में से माइनस 5m जाएंगे तो -2m = -8/5. 1 लेके हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे. सो 2 × 5 = -10m और 8 × 1 - 8. माइनस से माइनस कैंसिल, तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8/10. 2 4 = 8, 2 5 = 10. तो हमारी n की वैल्यू आ गई 4/5. अब हम चेक कर लेते हैं. हमारी इक्वेशन थी 3m = 5m - 8/5. पुटिंग द वैल्यू ऑफ m, 3 × 4/5 = 5 × 4/5 - 8/5. So 3 4s are 12/5, 5 से 5 cancel. So यहां बचा 4 - 8/5. 12/5, यहां नीचे 1 लेके हम LCM ले लेते हैं तो हमारा LCM आएगा 5. 1 के टेबल में 5 5 टाइम्स में आता है. सो 5 × 4 = 20. माइनस 5 के टेबल में 5 1 टाइम्स में आता है. 1 × 8 = 8. सो 12/5, 20 में से 8 माइनस करेंगे तो 12 बचेगा. तो यहां भी 12/5. LHS इक्वल्स टू RHS. हेंस इट इज करेक्ट. थैंक्स फॉर वॉचिंग. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें.